आज हमारे मिस्टर शेफ देवर जी बना रहे हैं। क्या क्या बना रहे हैं मोंटू भाई, बताइए ये क्या बनाने जा रहे हैं आप? पता नहीं, दाल का नाम तो पता नहीं है, ये बनाएंगे है ना, इडली और ढोकले और थोड़ा डोसा, बड़े बड़े, हाँ बड़े ही बड़े। ये इडली के लिए बन रहा है और ये बड़े बनेंगे इसके। इडली का जो पेस्ट है तैयार हो रहा है, अभी इसको खमीर उठेगा तो ये कल तैयार होगा। और अभी हम लोग डोसा बनाएंगे, अप्पे बनाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मीठीज फैमिली चैनल। आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज दिवाली का दिन है, आज 31 तारीख दिन गुरुवार है और आज दिवाली है। तो यहाँ पे हमने वॉलपेपर न्यू लगा लिया है क्योंकि दिवाली आती है तो थोड़ा सा नया नया सा होना चाहिए। वो वाला जो ब्लू कलर का वॉलपेपर था अच्छा था, ठीक था, पर वो मम्मी जी यहाँ पे कढ़ाई से चिपका दी थी तो वो जल गया था। और दूसरी चीज़ उससे ना अंधेरा अंधेरा बहुत लगता था, इसलिए मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर का वॉलपेपर लगाया है और इसका डिटेल वीडियो बनाया है। तो अगर आपको भी वॉलपेपर चाहिए या फिर कितना ये कितने मेजरमेंट में क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे बना, कैसे चिपका, वो सब कुछ आपको मिलेगा, एक प्रॉपर वीडियो मैंने शूट किया हुआ है। तो अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि अभी मैं बनाऊंगी अप्पे, उससे पहले बनाऊंगी डोसा। और अभी आपने देखा कि मोंटू भैया ने क्या क्या चीज़ें पीस दी हैं, तो बड़े वगैरह शाम को बनेंगे जब पूजा पाठ हो जाएगी। और यहाँ पे क्या है, इस बार दिवाली तो होनी नहीं है क्योंकि बाबा ख़त्म हुए थे, उस बार दिवाली नहीं हुई क्योंकि पापा जी ख़त्म हुए थे। तो जो पुरानी मूर्ति है, पुराने दिए हैं, हम लोग उसी को जलाएंगे और अलग से कुछ भी नया सामान नहीं लाएंगे। और जो एकदम न्यू कपड़े होते हैं वो हम लोग इस बार नहीं खरीदे, जो नए घर के कपड़े मतलब हमने जो पहने हुए हैं पहले उसको पहन सकते हैं, ऐसा पंडित जी बता रहे थे। तो खाना तो ऐसी चीज़ होती है कि खाना तो हमेशा ही घर पे बनता ही है, तो उसी तरीके से आज भी खाना बन जाएगा। तो दही बड़े वगैरह शाम को बनेंगे और अभी पहले मैं डोसा बनाऊंगी। और मोंटू भैया ने मुझे डोसा का तवा गिफ्ट किया है, अभी मैं आपको उसको खोल के दिखाऊंगी कि डोसा तवा कैसा है। और तो वो बोले कि डोसा तवा लाया हूँ तो डोसा बनना चाहिए। तो पहले अप्पे के लिए सूजी भिगो देते हैं दही में क्योंकि उसको टाइम लगता है भीगने में। और उसके बाद हम लोग जो डोसा बनाएंगे उसको मैं आपको दिखाऊंगी। बैटर मोंटू भैया ने पीस दिया है, उड़द दाल वगैरह, चावल वगैरह, जो इडली का बैटर होता है वही मोंटू भैया ने पीसा है, तो उसी से मैं डोसा बनाऊंगी। और पहली बार मैं डोसा बनाने वाली हूँ तो मुझे नहीं पता कि मैं कैसा डोसा बनाऊंगी। इधर पनीर वगैरह मैंने, ये देखो पनीर को भी कद्दूकस करके यहाँ पे रख लिया है। तो अभी चटनी बनाना है तो फटाफट से काम स्टार्ट करते हैं। डोसा बनेगा तब तक जो मेरी सूजी है वो अच्छे से दही के साथ भीग जाएगी। आ गई है नहा के, हैप्पी दिवाली बोल दो फ्रेंड्स को। हैप्पी दिवाली। अच्छे से सूजी के साथ दही और पानी को मिक्स करेंगे, ढेर सारी सब्जियां काटेंगे, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, डोसा बनाएंगे अभी ना, तो खाना भूख लग। बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी लग रहा है। ये देखिए यहाँ पे डोसा बन रहा है, क्यूट सा डोसा, मीठी के लिए। हाँ। प्रयास। मम्मा ये क्या है, व्हाइट व्हाइट पनीर है, छोटा सा डोसा स्पेशली फॉर मीठी। ये लीजिए फ्रेंड, आप भी खा लीजिए, अच्छा सा डोसा दे देना, हो जाएगा इस समय। हाँ देखो मोंटू भैया सिर्फ ऑर्डर नहीं देते हैं कि भाभी ये बना दो वो बना दो, मोंटू भैया हेल्प भी करते हैं। अभी ये देखो अप्पे के लिए सब्जियां काट रहे हैं, पत्ता गोभी, शिमला मिर्ची, गाजर तो लाए नहीं और बोल रहे हैं भूल गया हूँ, ले आइएगा भी। दही में ही अच्छे से भीग चुकी है, इस तरीके से फूल गई है, काफ़ी देर हो गया। और ये है पत्ता गोभी और गाजर, पूरा नहीं डालेंगे मोंटू भैया, नहीं ज़्यादा हो जाएगा फिर सब्जी लगेगी है ना। और ये है मिर्ची, कुछ मोंटू भैया काटते हैं कुछ मैं काटती हूँ, इसकी थोड़ी बड़ी और छोटी है अलग अलग। ये है शिमला मिर्ची, मटर होता ना तो अच्छा लगता पर मटर का मौसम नहीं है और वो वाली मटर अच्छी नहीं लगेगी, इसमें पूरी डाल दूँ फिर अच्छी नहीं लगेगी। और ये है प्याज। मांग रहे हैं मम्मी जी के पास, अभी दिवाली सफाई किए थे तो निकला था। सो गाइस यहाँ पे जो अप्पे है ये बन रहा है और आपने देखा इसमें मैं टमाटर काटना भूल गई थी, मैं मोंटू भैया को देना भूल गई थी, तो अभी इसमें हमने टमाटर डाल दिया है। इधर कुछ अप्पे मेरे बन के रेडी हो चुके हैं और कुछ अप्पे अभी बन रहे हैं। और अभी मोंटू भैया गए हैं मतलब बुलेरो को धोएंगे, बाइक को धोएंगे क्योंकि आज उन सभी चीज़ों की पूजा पाठ होगी। तो हम लोगों ने पूछा पंडित जी से कि कैसे क्या करना है, तो उन्होंने बोला कि मीठी से आप करवा सकते हैं, मीठी लड़की है
तो मीठी करेगी, और मीठी के लिए नए कपड़े भी आए हैं क्योंकि वो पहन सकती है नए कपड़े, तो इसीलिए मम्मी जी ने उसके लिए कपड़े लिए हैं। तो अभी उसको मैं रेडी करूँगी, तो फिर आप लोगों से भी मुलाकात कराऊँगी। अभी वो गाड़ी धुलवाने में बड़ी बिजी है, तो अभी हम अप्पे बना लेते हैं और सबको अप्पे खिला देते हैं। मीठी को सरप्राइज दे रही थी क्या? हाँ। अच्छा, फिर क्या बोली? सरप्राइज थी कि तुम्हारे लिए कपड़ा आये। पहले क्या बोली कि नाप लो, तुम्हें किसी और को देना। हाँ, तुम्हारे बराबर के बस किसी और को दे। ऐसा क्यों बोल रही थी? पता नहीं, उनको लगता है सरप्राइज देना था, और कितना ब्यूटीफुल दिलाई है। बहुत सुंदर, अपनी चॉइस को दिलाई है। मीठी परेशान नहीं करी थी? नहीं। अच्छा लग रहा है, मीठी रेडी हो गई। ड्रेस आप बताना कमेंट्स में कैसी है, और ये भी, और ये मेरी मम्मी जी ने दिवाली में कपड़ा गिफ्ट करा है। ये देखो, यहाँ पे मम्मा पीहू को तैयार कर रही हैं। ये मेरी छोटी सी नंद है ना, इसको कैसे छोड़ सकती हूँ? हाँ, इसको भी तो रेडी करना पड़ेगा। हाँ, दोनों जने जाएंगी साथ में बुआ भतीजी पटाखा खरीदने, है ना पीहू? उसके मुँह में कैमरा लगा दोगी क्या एकदम से? नहीं नहीं, वाह वाह, कितनी प्यारी लग रही हो। मम्मी दोनों वाइट वाइट। वही तो मैं देख रही हूँ कि सिर्फ दिया जल रही है। दिया के पास, वो सामने से रखो, यहाँ तो नहीं। मीठी अपनी गाड़ी के साथ दिवाली मना रही है, जाओ बाइक के साथ भी मनाओ। अरे नाटक बहुत करती है। दिया जला ली है मंदिर में, अब हम लोग घर जा रहे हैं। और हमारे यहाँ मार्केट देखो, कितनी चमक रही है मार्केट। मतलब रात के 9 बज रहे हैं, फिर भी 9 क्या 9:30 10 बज रहे होंगे, 9 बजे तो हम लोग मंदिर के अंदर आए थे, अभी हम लोग मंदिर से घर जा रहे हैं। इतना अच्छा लग रहा है मार्केट में। सो गाइज, हम लोग आ चुके हैं मंदिर से, और अब हम लोग खाना वाना खाएंगे। पालक पनीर और पुलाव मैं बना के चली गई थी, और अभी मुझे पूड़ियाँ बनानी हैं। तो देखते हैं पूड़ी बनेगी कि रोटी बनेगी, वो बाद में डिसाइड होगा। अभी मैं किचन में जाती हूँ, चेंज कर लेती हूँ, और हमने बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स क्लिक की है, तो वो मैं इंस्टा पे पोस्ट करूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा मंदिर जाके, मतलब थोड़ा सुकून मिल जाता है कि हाँ त्यौहार है, ऐसा लगता है। वरना घर में तो ऐसा लगता है कि सिर्फ हम लोग बना रहे हैं और खा रहे हैं और कुछ नहीं लगता, पर जब बाहर निकलो ना तो लाइट्स देखो, पटाखे और दिया, इतने अच्छे सब लोग दिखते हैं अलग अलग कपड़ों में, और फिर मैया बैठी रहती हैं सामने, तो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं चेंज कर लूँ ताकि मैं फटाफट सबको खाना दे पाऊँ। वाह, बहुत सुंदर। अच्छा बना है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अभी कल इडली और ढोकले का वो देखिए, खमीर भी उड़ गया एक दिन में, अभी जरूरत होती तो नहीं उठता। हाँ हाँ, और यहाँ पे दादी खा रही हैं पालक पनीर, पूड़ी और बड़े। बड़े मुलायम हो गएंगे तो दादी के दांत से आराम से फूट जा रहा होगा। तो मैं मंदिर से आ चुकी हूँ, और मम्मी जी बना रही हैं पूड़ी
और बड़े, मतलब बड़े बन चुके हैं। अब मम्मी जी पूड़ी बना रही हैं, उसके बाद फिर सब लोग खाएंगे। इधर दादी अभी खाना खा रही हैं, ये देखो मीठी खा रही है, दादी खा रही हैं, और इधर पूड़ी बन जाएगी, फिर मोंटू भैया और मीठी के पापा, मैं और मम्मी जी खाएंगे। हाँ, ये तो पास में भी जाके देख सकते हैं। ये अच्छा नहीं था। दही बड़ा बन के तैयार है खाना। बहुत तीखा लग गया क्या दादी? तो खाना तैयार है और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने और इस वाले ब्लॉग का एंड करने। मम्मी जी तीखा लग गया क्या? तो इस वाले ब्लॉग का एंड करने जा रही हूँ और मिलती हूँ आपको अच्छे से ब्लॉग के साथ फिर से, आई होप। ये देखो हमारी मीठी पानी ला के दे रही है, थैंक यू मीठी। इधर साइड आओ, इस साइड, उधर रोशनी नहीं है ना। तो मीठी की तरफ से भी आप सभी को हैप्पी दिवाली। तो आप लोग की दिवाली कैसी गई वो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और अब हम लोग खाना पीना खा के जो थोड़े बहुत पटाखे छुड़ाने हैं वो सब। अभी हम लोग के पास में दो पन्नी हैं अभी, एक सुपर में इतना सर पड़ा कर रखा है और अभी वो पन्नी में ना इतना सर पड़ा कर रखा है, पता नहीं परसों तक जलाएंगे। हाँ, एकादशी के दिन तक जलाते हैं, अभी बहुत दिन तक जलाते हैं। तो अभी मीठी के पास बहुत सारे पटाखे हो गए हैं, पहले से भी थे और फिर इसके चाचू अभी गए थे तो फिर पटाखे लेके आई है। तो फुलझड़ी, पटाखे, अनार सब हम लोग चलाएंगे। अच्छा हुआ मैंने इतने सारे एक और पटाखे मंगवा लेते, नहीं तो ना बहुत छोटे छोटे रहते ना, बहुत मजी नहीं आती। अच्छा तो चलो अभी फ्रेंड्स को क्या करना है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बहुत सारा प्यार दीजिए। पंखा चल रहा है, आवाज जा रही होगी। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।